नमस्कार, मैं हूँ डीएस के और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। अमिताभ बच्चन का एक बहुत ही जबरदस्त डायलॉग है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। मुझे लगता है अमिताभ बच्चन का ये डायलॉग मीडिया वालों ने बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया और एकदम अपने बाप की तरह अमिताभ की भर भर के सेवा हो रही है, पल पल की अपडेट दी जा रही है कि वो कब उठे, कब सोए, कब सूसु गए, कब दो नंबर गए। वाह 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 वाह। और अमिताभ बच्चन का कोरोना पॉजिटिव होना इस देश की एक बहुत बड़ी वाली ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। आजकल हम लोग बहुत बातें करें बॉलीवुड में जो फैला हुआ नेपोटिज्म यानी भेदभाव जो होता है ना, पक्षपातपूर्ण रवैया व्यवहार, तो वो तो मीडिया भी करती है और ये चीज हमें आप क्लियरली दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि फिलहाल हमारे देश में 9 लाख के ऊपर केसेस हैं कोरोना के, लेकिन ऐसा लग रहा है और मीडिया इस तरीके से दिखा रहा है कि वो जो 9 लाख के ऊपर जो केसेस है ना, वो सब मच्छर काटने से या फिर मामूली सा फीवर है। कोरोना जो हुआ है वो सिर्फ बच्चन फैमिली को हुआ है और अमिताभ बच्चन को और पूरी बच्चन फैमिली को तमाम मीडिया वाले महायोद्धा और जीतेगा महानायक टाइप के बड़े बड़े टैग वगैरह दे रहे हैं, जैसे कि भाई कोई वर्ल्ड वॉर लड़ने गई है ये फैमिली। जहां एक आम आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट तक नहीं किया जाता, बेचारा चक्कर काट काट के कई जो परिवार हैं उन्होंने अपने सदस्यों को खो दिया है। क्यों? क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं थी। और यहाँ अमिताभ बच्चन के लिए बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स लाइन लगा के खड़े रहते, उनका हेल्थ बुलेटिन बार बार इश्यू किया जाता है। ऐसे इंसान को महायोद्धा बोला जाता है। सारे साधन, सारी सुविधाएं, हर तरह का उनके पास रिसोर्स है, पैसा है, मैन पावर है, सब कुछ है, उसके बाद वो महायोद्धा है। अगर अमिताभ बच्चन महायोद्धा हैं, तो जो सड़कों पर हजारों की तादाद में मजदूर निकले थे सर पर अपना सामान लेकर, अपने कंधे पर, गोदी में अपने बच्चों को लेकर, भूखे प्यासे नंगे पैर तपती हुई सड़कों पर जो हजारों की तादाद में मजदूर निकले, जरूरतमंद निकले, वो कौन है फिर असली महायोद्धा? तो जो मजदूर हैं, जो बेचारे कई किलोमीटर सड़कों पर पैदल चले, असली महायोद्धा तो वो है जिनकी किसी ने मदद नहीं की, न सरकार ने, न मंत्रियों ने, न सेलिब्स ने, न किसी ने भी। कईयों हजार किलोमीटर लोग पैदल चल गए। बिहार की एक लड़की गुड़गांव से बिहार साइकिल चला के आती अपने पिता को बिठाकर, वो महायोद्धा नहीं है क्या? बॉलीवुड का कोई एक्टर अगर अस्पताल में भर्ती होता तो वो महायोद्धा बन जाता है। ये भेदभाव, ये जो एक अलग तरह का नेपोटिज्म जो मीडिया चला रही है, ये आपको सही लग रहा है क्या? अमिताभ बच्चन जिनके पास दुनिया के ऐशो आराम में कहीं कोई कमी नहीं है, वो एक फोन घुमाए बड़ा सा बड़ा डॉक्टर आ जाएगा घर पे, वो महायोद्धा है। और मीडिया वाले तो मतलब ऐसी ऐसी खबरें दे रहे कि अमिताभ कब सूसू करने का, अरे भाई पी के देख लेते, पता चल जाता कि रात में क्या खाया। ऐसे ऐसे मतलब इतना स्टैंडर्ड गिरा रहा है हमारा द ग्रेट इंडियन मीडिया, मतलब मर्यादा की सारी हदें पार हो रही हैं। एक न्यूज पकड़ लेते हैं सुबह से लेकर रात तक वही न्यूज चलती है। इन लोगों ने तो अपना इनका एजेंडा सेट हो चुका है। पहले गलवान 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 गलवान, फिर विकास दुबे विकास दुबे विकास दुबे विकास दुबे विकास दुबे, पकड़ा गया विकास दुबे, मारा गया विकास दुबे, विकास दुबे का इनकाउंटर पर सबसे पहले पहुंचा आज तक। सारे चैनल यही बोलते रहे विकास दुबे ये इनकाउंटर स्पॉट पे सबसे पहले तुम पहुंचे। अरे मुझे तो लग रहा है पुलिस वाले भी नहीं पहुंचे, ये इनकाउंटर मीडिया वालों ने कर दिया। विकास दुबे की आत्मा भी भटकती भटकती इन्हीं लोगों से पूछेगी, दद्दा वो गाड़ी कैसे पलटी थी सबसे पहले तुम ही बता दो। तो ये लोग ऐसी अंधी दौड़ में दौड़ते हैं टीआरपी के लिए। अभी विकास दुबे का चैप्टर खत्म, तो अमिताभ बच्चन कोरोना, अमिताभ बच्चन कोरोना सदी का महानायक। मुझे हो सकता है कि आप लोगों को ये जो मेरा स्टेटमेंट जो मैं बोलने वाला हूँ वो थोड़ा पसंद ना आए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये सब कुछ बहुत सेट मामला लगता है। अभिषेक बच्चन की वेब सीरीज ब्रीथ आती है 10 जुलाई को एंड सडनली पूरी बच्चन फैमिली कोरोना पॉजिटिव पाई जाती है। सडनली पूरी बच्चन फैमिली मीडिया का एक अटेंशन पा जाती है। और कहते हैं ना बॉलीवुड में कि भाई कैसी भी पब्लिसिटी हो वो उनके प्रोडक्ट को फायदा ही देती है। तो हो सकता है कि ये मेरा स्टेटमेंट कई लोगों के गले ना उतरे, कई लोग हो सकता है मुझे क्रिटिसाइज भी करें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कनेक्शन तो मुझे लगता है। ब्रीथ वेब सीरीज का आना और ब्रीथ और एंड ब्रीथ जो वर्ड है वो कोरोना सबसे ज़्यादा, जो हमारे ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैं वहीं पर कोरोना सबसे ज़्यादा असर करता है। पता नहीं, ये सिर्फ मैं डॉट्स को कनेक्ट करके मैंने ऐसा बोला, हो सकता है चीज़ें इसके बिल्कुल विपरीत भी हों, लेकिन मीडिया का जो थर्ड क्लास एटीट्यूड है वो हमारे सामने फिर से आ चुका है। अमिताभ बच्चन न हुए कोई आसमान से उतरा फरिश्ता हो गया, वो भी हमारी तरह इंसान है, उनके लिए जगह जगह हवन हो रहे हैं, पूजन हो रहा है, दुआएं मांगी जा रही हैं, और जो हजारों की तादाद में मजदूर थे उनके लिए किसने दुआ मांगी? कहीं हवन अनुष्ठान हुए? लोगों ने तो मतलब
अब एक आम आदमी अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो बिल्डिंग से निकाल दिया जाता है, लोग दूरी बना लेते हैं। यहाँ अमिताभ बच्चन महायोद्धा 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 खेला जा रहा है। बच्चन परिवार, जया बच्चन नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव। जया बच्चन तो शुरू से ही नेगेटिव है, वो तो शुरू से ही नेगेटिव पर्सनैलिटी है, उनको कहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा। रेखा के लिए नेगेटिव और बाकी करिश्मा से अभिषेक की शादी उसके लिए नेगेटिव, तो वो तो नेगेटिव होना ही था उन्हें। ये एक जोक था बस, और बहुत बड़ा और बहुत ही बुरा वाला जोक था। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये जो भेदभाव मीडिया क्रिएट कर रहा है, हम नेपोटिज्म की बात बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ ये जो सेलिब्रिटी वर्सेस आम आदमी का भेदभाव, अमीर गरीब का भेदभाव, साधन संपन्न इंसान वर्सेस साधनहीन इंसान, कमेंट करें मीडिया के इस दोगले, इस टीआरपी की भूख वाले रवैये के ऊपर। आप इसे कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं, कमेंट करें और बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब वगैरह, ये तो फॉर्मेलिटी की लाइन है तो बोलनी पड़ती है। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।